अलगम स्टूडेंट्स एडवांस कम्प्यूटर नेटवर्क के लेक्चर नंबर 16 के साथ मैं हाज़िर हूँ इससे पहले हमने 15 लेक्चर्स के अंदर कम्प्यूटर नेटवर्क की बेसिक से स्टार्ट करके स्विचिंग की टेक्निक्स और मैकेनिज्म तक कवर किया था आज हम इनशाला अपने लेक्चर नंबर 16 के अंदर ए यानी सेल स्विचिंग के ऊपर बात करेंगे तो आइए पहले हम अपने पिछले लेक्चर की थोड़ा सा डिस्कस uh, कर लेते हैं उसका प्रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमारी अगली डिस्कशन के लिए वो फाउंडेशन के तौर पर एक्ट करें आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर सोर्स राउटिंग की स्विचिंग मैकेनिज्म से स्टार्ट किया था उसको डिस्कस करने के बाद वी हैव मूव्ड ऑन टू ब्रिजेस एंड एक्सटेंडेड लैंड ये एक नया टॉपिक था जो कि हमने एक्सप्लोर किया कि अगर हम एक लैन के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करना चाहें उसकी कुछ लिमिटेशन हैं जिसमें नंबर ऑफ होस्ट हैं टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो कि उसने कवर करना है उन लिमिटेशन को जब हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो दीज आर दी एक्सटेंडेड लैन यूजअली मेड बाय ब्रिजेस के जरिए हम लैंड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा -थोड़ा करते हैं। इन के यूज के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एक लर्निंग का ए, हमने किया जिस तरह से ब्रिजेस जो हैं अपने फॉरवर्डिंग टेबल को अपडेट कर रहे होते हैं एज एन अपजेशन फॉर दर्क इसी तरह से इन लर्निंग ब्रिजेस को हमने पढ़ते पढ़ते ये देखा कि अगर ये एक्सटेंडेड लैंड ज्यादा इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स हो जाएं और इनके अंदर लूप्स क्रिएट हो जाएं तो ये चीज पॉसिबल है कि कुछ फ्रेम्स इस लैन के अंदर इस एक्सटेंडेड लैन के अंदर फॉर सर्कुलेट करते रहें इन पैकेट्स को इन स्टेट पैकेट्स को जो कि किसी वजह से फॉर सर्कुलेट करते रहते हैं लैन के अंदर हमने कहा कि एक दैट मे बी अडोप्टेड इज ऑफ स्पेनिंग ट्री अगर हम एक स्पेनिंग ट्री बना लें पूरे इस एक्सटेंडेड लैन के अंदर जिसके अंदर कोई लूप्स ना हो तो तब ये पॉसिबल है कि आपके जितने भी फ्रेम्स हैं वो हर लेंथ तक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं हर डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाए लेकिन वो सर्कुलेट ना करें स्पेनिंग ट्री के अंदर हमने कहा था कि जो राडिया पर्ल मैन का स्पेनिंग ट्री एल्गोरिथम है दैट विल बी यूज इन ब्रिजेस उसके अंदर मुख्तु किस्म के टर्मिनोजीज हमने देखी थी जिसमें रूट ब्रिजेस थे डेजिग्नेटेड ब्रिजेस थे प्रेफर्ड पोर्ट्स और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया था इन सब चीज़ों के साथ ये स्पेलिंग ट्री का एल्गोरिथम एक्सटेंडेड लेंस और ब्रिजेस के ऊपर हम हूज करते हैं एम्प्लॉय करते हैं और इससे हमें वो लूप फ्रीडम मिलती है जिसकी वजह से पैकेट्स फॉर एवर एक्सटेंडेड लेंस के अंदर सर्कुलेट नहीं करते इसके अंदर इट इज़ अ कन्फिजरेबल एंड रिकनफरेबल मैकेनिज़म जिसके अंदर कुछ कन्फिजरेशन के मैसेजेस होते हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं और हमने कहा था कि स्टेडी स्टेट के अंदर सिर्फ रूट ब्रिज जो है वही इन कंफिजरेशन मैसेजेस को प्रोपोगेट कर रहा होगा या क्रिएट कर रहा होगा हमने इस कॉन्सेप्ट को यानी एक्सटेंडेड लैन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद एक चीज के बारे में डिस्कशन की और वो ये कि इट इज इन फैक्ट एंड एल्यूजन टू दी अपर लेयर्स लेरलाइंग एक सिंगल लैन यूज नहीं हो रहा बल्कि मल्टीपल लैंड को हमने कंबाइन करके एक एक्सटेंडेड लैन बनाया है तो हमें इस चीज में केयरफुल रहना चाहिए दैट एप्लीकेशन माइट बी कंफ्यूज फॉर एग्जाम्पल बाय द पैकेट uh, ड्रॉप एक दफ़ा चैनल एक्सेस मिलने के बाद पैकेट कैसे ड्रॉप हो गया इट इज़ नॉट पॉसिबल इन लैंस हाव एवर वैन पैकेट पास फ्रॉम वन ब्रिज टू अदर इट मे बी लॉस्ड बिकॉज ऑफ द बफरिंग एंड क्यूइंग प्रॉब्लम इसी तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी एक सिंगल लैन के अंदर के लेटेंसी जो है वो डिफरेंट पैकेट्स की ट्रांसमिशन में डिफरेंट होती लेकिन ब्रिजेस के अंदर ये लेटेंसी डिफरेंट हो सकती है और एप्लीकेशन माइट बी कन्फ्यूज बाय दिस एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की दैट इज़ द पैकेट री ऑर्डरिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल इन सिंगल लेंस बट इट इज़ पॉसिबल इन एक्सटेंडेड लेंस ये वो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे अपने पिछले लेक्चर के अंदर आज हम इससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमने किन किन चीज़ों के ऊपर बेस करके अब अपने अगले टॉपिक यानी सेल स्विचिंग के ऊपर मूव करना है अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं दैट वी नोज कपल ऑफ फॉरवर्डिंग स्ट्रेटजीज़ ट हाउ अ पैकेट मूव इन अ नेटवर्क इन अविच नेटवर्क इसके अंदर हमें यह पता है कि डिफरेंट किस्म की एनोलॉजीज को यूज़ करते हुए हमने मल्टीपल मैकेजम्स को अंडरस्टैंड किया है फॉर एग्जाम्पल रीडिंग साइंस जिस तरह के हमने डेटाग्राम मॉडल के अंदर यूज किया था फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग अनोन पाथ जिस तरह के वर्चुअल सर्किट स्टिचिंग के अंदर हमने यूज़ किया था और इसी तरह से कैरिंग द इंस्ट्रक्शन इन दैकेट सेल्फ जो कि हमने सोर्स राउटिंग के अंदर यूज किया था फिर हमने अपने स्विचिंग के मॉडल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए इसको ब्रिजेस और एक्सटेंडेड लैन के कॉन्सेप्ट में यूज किया अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो इससे थोड़ा सा हट दैट इज सेल स्विचिंग बिकॉज इट इज अ वाइडली नोन टेक्निक ऑफ स्विचिंग यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क सो वी विल बी स्टार्टिंग इट इन दी परस्पेक्टिव ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नॉट इन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क और टेली कम्युनिकेशन वॉइस नेटवर्क बट इन नेटवर्क। इसके बाद हम फाइनली अपने इस को करेंगे और स्विचेस की इंटरनल करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके उनके जो हैं, वो किस तरह से सेट किए जाते हैं और स्विच की कॉम्पलेक्सिटी जो है वो किस तरह से इवाल्व होती है वाइल वी आर डिजाइनिंग मोर एंड मोर एफिशिये स्टूडेंट हम अपने सेल्स स्विचिंग के टॉपिक का बायदा आगाज करते हैं इसको हम जिस कॉन्टेक्स में स्टडी करने लगे हैं दैट इज ए टी एम एस इन ट्रांसफर मोड विच इज अ वाइडली यूज टेक्नोलॉजी इन वाइड एरिया नेटवर्क ए टी एम जो है ए टी एम फोरम फाउंडेड इन और फोरम ही इसकी जितनी भी स्टैंडर्डाइजेशन की एफर्ट्स uh, हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है आप ये देखिए कि ए टी एम फोरम ने ए टी एम का जो स्टैंडर्ड इवॉल्व किया दैट इज बेसिकली पोस्ट बाई द टेलीफोन इंडस्ट्री जो टेलकोस थे उनके पुश की वजह से ये हाई स्पीड स्विच नेटवर्क की टेक्नोलॉजी या टेक्निक इवॉल्व हुई है ये जो टेलको नेटवर्क्स थे वर दी लिंक प्रोवाइडर्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्विसेज आल्सो तो डेटा जो नेटवर्क इंडस्ट्री थी उसने भी इस ए की हाई स्पीड स्विचिंग टेक्नोलॉजी की डिप्लॉयमेंट से और यूज से बेनिफिट uh, हासिल किया अच्छा जब हम ये कहते हैं कि ए टी एम इज स्पीड स्विचिंग टेक्नोलॉजी तो इसमें हमें यह चीज़ भी देखनी पड़ती है कि क्या उस टाइम पर जबकि हमारे पास लैंड के अंदर 10 मेगाबिट पर सेकंड का इथरनेट था या 4 या 16 मेगाबिट पर सेकंड के टोकन रिंग नेटवर्क यूज़ हो रहे थे क्या ए की टेक्नोलॉजी उस वक़्त वॉज इट द राइट टेक्नोलॉजी एट राइट टाइम एट राइट प्लेस दिस इज अ डिबेट विच इज कंटिन्यूड पीपल आर्ग्यू दैट बेस्ड ऑन

कनेक्शन ओरिएंटेड यू कैन अंडरस्टैंड अभी हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर का में किया था ये ऑलमोस्ट उसी तरह की एक टेक्निक यानि आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं बिफोर सेंडिंग द डेटा ऑन टू दैटवर्क सो दिस इज दशन ओरियंटेड कॉन्सेप्ट यूज इन दी एम स्विचिंग टेक्निक एक और चीज इसमें जहन में रखी है कि ए टी एम यूजेज नॉट ओनली दी हाई स्पीड स्विचिंग टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो हाई स्पीड फिजिकल लेयर यूजली ये यूज होता था या यूज होता है सोनेट के साथ ओरिजिनली इसको इस तरह से डिस्कस किया गया जैसे ए टी एम एंड सोनेट सोनेट आर इनफैक्ट कपल ऑल दो एटीएम कैन भी यूज विद एनी अदर फिजिकल लेयर एंड सोनेट कैन ऑल्सो भी यूज विद एनी अदर अपर लेयर सेंडिंग डेटा ऑन टू सोनेट लेकिन क्योंकि यह बहुत ज्यादा कलेक्टिवली uh, यूज हुआ तो लोगों ने यह समझना शुरू किया दैट ए टी एम इज़ यूज विद सोनेट सोनेट के अंदर ऑल दो एक बेहतर सपोर्ट है ए टी एम की जिस तरह हमने अपने चैप्टर नंबर टू के अंदर फ्रेमिंग की टेक्निक डिस्कस की थी तो आपने देखा था कि उसके अंदर जो एक फ्रेम था उसमें औरिजिनली शुरू में ओवर हेड बाइट के अंदर एक पॉइंटर हमने मैंशन किया हुआ था जो कि पॉइंट करता था कि कहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है इस तरह से आपके ATM के 53 थ्री बाइट के सेल्स हैं जिसको हम एक फ्रेम कहेंगे वो एक के बाद एक सोनेट के फ्रेम के अंदर आते जाते हैं और ओवरहेड बाइट उस तरफ पॉइंट करती है, जो है। तो सोनेट में एक ऑर्डर टू सपोर्ट एन अपर टेक्नोलॉजी तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ए टी एम इज बेसिकली टेक्नोलॉजी फॉर वाइड एरिया नेटवर्क बट इट इट कैन ऑल्सो भी यूज इन लैंस जब ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज होगा तो इथरनेट विल बिकम दलॉजी विद ए टी एम ऑब्वियसली लेकिन आप ये देखेंगे कि ए टी एम और इथरनेट ऑल दो लैंड के अंदर यूज किए जा सकते हैं लेकिन इनके जो एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है दे पार्शली ओवरलैप सो ए टी एम इज नॉट ए डायरेक्ट कम्पैटेटर ऑफ इथरनेट एंड वाइस वर्सा दीज आर नॉट दूज इनका डिफरेंट सीनैरियोज के अंदर ही Uh, हुआ है इथरनेट ने ज्यादातर लैन की मार्केट कैप्चर की है और ए ने ज्यादातर वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन की मार्केट के अंदर ही डिप्लॉयमेंट शो की है अब मैंने आपको बताया था कि इथरनेट यूजेज वर्चुअल सर्किट स्विचिंग तो इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल अगर ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है तो इसका मतलब है कि कोई सिग्नलिंग मैकेनिज्म भी इसके अंदर इन्वॉल्व है जो कि इनिशियली कनेक्शन को सेटअप करता है

इसी सिग्नलिंग मैकेनिज्म के थ्रू रिसोर्स भी एलोकेट किए जा सकते हैं एक और डिटेल जो कि एटीएम से रिलेटेड है दैट इज दी एटीएम एड्रेस फॉर्मेट आपने इससे पहले देखा था इथरनेट के 48 बिट एड्रेसेस इसके अलावा टोकन रिंग के 48 बिट एड्रेसेस थे एटीएम के जो एड्रेसेस हैं दीज आर गवर्न बाय अ स्टैंडर्ड कॉल्ड ई एंड एनसेफ नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट ऑल ये डिफरेंट हैं लेकिन हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीज आर जस्ट दसिस आइडेंटिफाइंग दी एम नोट एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम मैक एड्रेस लेकिन ऑब्वियसली हर टेक्नोलॉजी टेक्निक मैकेनिज्म और प्रोटोकॉल के लिए चूंकि एड्रेसिस की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू यूनिकली आइडेंटिफाई दोड्स इन अ अटवर्क देयर फॉर ए टी एम ऑल्सो है और उसके बाद हमने डिस्कस किया के देर इज अ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल इज फॉर कनेक्शन सेटअप ये जो सिग्नलिंग हम एक स्टैंडर्ड क्यू डॉटेंटी के थ्रू करते हैं एटीएम के अंदर इससे वी वी कैन कैन यूज डिस्कवरी हैव रिसोर्स थ्रू दिस सिग्नलिंग प्रोटोकॉल इसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर हम अचीव करना चाहते हैं किसी फ्लो को ज्यादा प्रायोरिटी दे के उसकी कोई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट्स डिले की रिक्वायरमेंट्स वो सब चीजें हम इसी सिग्नलिंग प्रोटोकॉल के थ्रू अचीव करती है। तो क्योंकि हम इसी सेल्फ स्विचिंग के टॉपिक को लेकर आगे चल रहे हैं तो हम अपने इस लेक्चर को और डिटेल में देखते हैं ये जो सिग्नलिंग की प्रोटोकॉल है इसके थ्रू हम एक सेटअप का मैसेज जो है वो एंड टू एंड पहले भेजते हैं इनिशियली टू सेटअप दी सर्किट ये जब एक दफा कंप्लीट सर्किट से हो जाता है देन सेंट ऑन दैट ऑलरेडीब्लिश सर्किट एक चीज़ ये जहन में रखी है कि देर इज नो इंटरमीडियट स्विच इन्वॉल्वमेंट हमने सोर्स की तरफ से फाइनल डेस्टिनेशन तक एक सेटअप का मैसेज भेजना है सोर्स ने इसमें बीच में कोई और चीज़ एडिशनली एड नहीं करनी कोई इनिशियटिव नहीं लेना अदर देन रिजर्विंग द रिसोर्स फॉर द रिक्वायर्ड फ्लोज और अपने पास उसने वो कनेक्शन के जो आइडेंटिफायर हैं वो सेटअप uh, के थ्रू जो उसको मिलेंगे वो स्टोर करके रखने इन दी वर्चुअल सर्किट स्विचिंग टेबल्स हम एटीएम एटीएम की और डिटेल के अंदर जाए तो एक जो नया कॉन्सेप्ट आपको मिलता है स्विचिंग के अंदर दैट इज सेल स्विचिंग नाउ व्हाई दिस सेल इज यूज्ड? अभी तक आप देखिए हमने जितनी भी प्रोटोकॉल्स uh, देखी हैं जो मैकलेयर की प्रोटोकॉल्स हैं उसमें आप देखते हैं कि वेरिएबल लेंथ का फ्रेम यूज हुआ है इंटरनेट में देखिए एक मिनिमम साइज है और एक मैक्सिमम साइज है 1500 बाइट्स का उसके टोकन रिंग में भी आपने देखा था अब एटीएम के अंदर वाई देर इज अ फिक्स और फिक्स फिफ्टी थ्री बाइट की इसको चूंकि हमने बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश कर दिया एक तो ये फिक्स लेंथ है दूसरी ये स्पेसिफिकली 53 बाइट्स के स्मॉल पैकेट्स हैं तो इसको एक नया नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं सेल्स एटीएम के सेल के अंदर 53 बाइट्स के अंदर 5 बाइट का हेडर भी है इसका मतलब ये है कि 5 बाइट का हेडर और 48 बाइट का पेलोड यानी डेटा है इस 5 बाइट के हेडर के अंदर ही एक बाइट सीआरसी की भी है जिसको हम एरर करेक्शन के लिए एरर uh, डिटेक्शन uh, और वन बिट सिंगल बिट एरर करेक्शन के लिए भी यूज करते हैं इस तरह से आपके पास एक एटीएम सेल के अंदर 48 बाइट का पॉसिबली जा सकता है अब अगर हमने एटीएम को यूज करना है और उसके ऊपर अपर लेयर से बड़े बड़े पैकेट्स, फॉर एग्जांपल आईपी को यूज करते हुए 64 फोर किलो बाइट तक के मैक्सिमम पैकेट्स भेजने हैं तो ये 53 बाइट का जो सेल है ये किस तरह से सपोर्ट करेगा अपर लेयर के ऊपर बड़े लार्ज पैकेट्स को इसके लिए ए ने कुछ कन्वर्जन सब लेयर्स डिफाइन की हैं वो जो लेटीएम सब लेयर्स हैं वो इसीलिए डिफाइन की गई हैं कि अपर लेयर के ऊपर अगर ऐसी प्रोटोकॉल है या ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इन सेल्स से ज्यादा बड़े पैकेट्स को भेज रहा है तो ये जो सब लेयर्स हैं वो सेगमेंटेशन और रीअसेंबली ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है इससे पहले आपने देखा होगा फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का जो मैकेनिज्म है ये इन कन्वर्जन सब लेयर्स की आ, का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ये इनका काम है और टास्क है ये जो लेयर्स हैं, ये असल में डिफाइन करती हैं इंटरफेस टू फिजिकल मीडिया एंड टू हायर लेयर्स ये दरमियान का इंटरफेस है जो कि हमें ए को अपर लेयर प्रोटोकॉल जो कि आई भी हो सकती है उससे आपस में लिंक करता हैं इट इन कैप्सुलट्स साइज अपर लेकेट्स इन टू ए टी एम सेल्स ताकि ए टी एम के को एग्जैक्ट फिफ्टी थ्री के सेल पहुंचाए जा सके इन ऑर्डर टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर नेटवर्क। एम के अंदर एक और चीज अगर आप देखिए इज़ और वो टू लेवल कनेक्शन की इस तरह से है कि हम एक इंडिविजुअल नोड्स के दरमियान वर्चुअल सर्किट स्टैब्लिश करते हैं और फिर एक अपर ऊपर या कोर्स ग्रेंड लेवल के ऊपर हम विचुअल पाथ्स भी स्टेब्लिश करते हैं इन विचुअल पाथ्स के अंदर या एक विचुअल पाथ के अंदर बहुत सारे यानी बंडल ऑफ विचुअल सर्किट्स हो सकते हैं ऑल दिस वर्चुअल सर्किट्स ट्रेवल द सेम पाथ अगर उनका विचुअल पाथ आइडेंटिफायर जो सेम है और उसकी वजह से जो इंटरमीडिएट स्विचेज हैं उनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है वो कम रिक्वायर्ड होती है अच्छा अभी हमने कहा कि देयर इज अ टू लेवल कनेक्शन हायरार्की यूज्ड इन एटीएम तो हम ये सवाल करते हैं कि आखिर इस हायरार्की की जरूरत क्या है पहली बात तो ये है कि हायरार्की हायरार्किकल कनेक्शंस की वजह से क्या हमारा मैकेनिज्म ये एटीएम की प्रोटोकॉल सिंपलर हो जाती है द रिसर्चर्स से दैट इट इज सिंपल फॉर एग्जांपल अगर आपने सेटअप करने कनेक्शंस देन इट इज सिंपलर फॉर एग्जांपल स्ट फॉलोइंग द न्यू वर्चुअल सर्किट्स फॉर दलरेडी इस्टैब्लिश वर्चुअल पाथ जो भी आप नया कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही पेयर ऑफ साइट्स के दरमियान है तो वो उन्हीं वर्चुअल पाथ उसी एक वर्चुअल पाथ को फॉलो करेगा और इस तरह से आप नए वर्चुअल सर्किट में वो स्टैब्लिश करते जाएंगे लेकिन उनके लिए कंप्लीट पाथ नए सिरे से इस्टेब्लिश नहीं करेंगे अच्छा फिर फॉरवर्डिंग के अंदर इसकी हेल्प है इस दो ले टू तो लेयर की की फॉरवर्डिंग के अंदर आप कंप्लीट आइडेंटिफायर यूज नहीं करते बल्कि स्विचेस के दरमियान जो फॉरवर्डिंग होती है उसको आप वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर के ऊपर फॉरवर्ड करते हैं इट मीन्स दैट लेस इंफॉर्मेशन और अ स्मॉलर आइडेंटिफायर इज यूज फॉर फॉरवर्डिंग कॉन्सिक्वेंटली इट मीन दैट लेस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन फॉरवर्डिंग टेबल्स You need not have the information for all the individual virtual circuits established. You only need to have information in the switches on the switches for virtual paths that are established. Each virtual circuits, some second layer ke established, karte these are used to transport the datagram or the packet, or you can say the in the technical terminology cell.

अब इस नए पाथ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं हमें इंडिविजुअली हर वर्चुअल सर्किट के लिए अलग-अलग से रीकैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती राउट के लिए वी जस्ट चेंज द वर्चुअल पाथ एंड होल ऑफ द वर्चुअल सर्किट्स ऑल द वर्चुअल सर्किट्स दैट आर यूजिंग द सेम वर्चुअल पाथ जस्ट फॉलो दिस न्यूली एस्टैब्लिशड पाथ व्हिच इज राउटेड अराउंड द फेलियर अच्छा इससे पहले जिस तरह मैंने बात की कि एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने जितनी भी लेयर की प्रोटोकॉल्स देखी हैं इवन आईपी प्रोटोकॉल इट वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स तो फिर ये क्या इसका एडवांटेज है कि ए के अंदर एक तो हम फिक्स के सेल्स यूज कर रहे हैं और दूसरे वो बहुत स्मॉल साइज के सेल्स ये देखिए कि अगर आपके पास वेरिएबल्स लेंथ के फ्रेम्स हों तो उसका फायदा क्या है वेरिएबल लेंथ फ्रेम का पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके पास डेटा स्मॉल है तो आप उसको एक मिनिमम साइज फ्रेम के अंदर इनकेट करेंगे और नेटवर्क के ऊपर भेज देंगे अगर फिक्स साइज के फ्रेम्स होते तो उस स्मॉल डेटा को इनकेप्सुलेट करने के बाद आपको क्योंकि एक फिक्स साइज मुकम्मल करना था तो बाकी सारी जगह के ऊपर पैडिंग करनी पड़ती बिकॉज यू हैव टू सेंड अ साइज साइज फ्रेम अगर वेरिएबल का होगा तो इस पैडिंग का जो ओवरहेड है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको एक मिनिमम साइज फ्रेम की फॉर्म में भेज देंगे तो सो स्मॉलर डेटा कैन बी सेंट एफिशेंटली इन अ वेरिएबल लेंथ फ्रेम इसी तरह से अगर आपका डेटा लार्ज है फॉर एग्जाम्पल यू आर सेंडिंग फाइल्स तो आप फिर ये करते हैं कि मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्रेम यूज करते हुए एज मच एज डेटा जो कि आप एक फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं वो डालकर भेज देते हैं उससे जो एडवांटेज गेन होता है दैट इज लो ओवरहेड जो हेडर टू पे लोड रेशो है वो कम हो जाती है और आप गेन करते हैं इस ओवरहेड के अंदर क्यों इसलिए कि हेडर तो एक ही है, एक ही ही है है फ्रेम लेकिन उसके अंदर आपने बहुत सारा डेटा इनकॉर्पोरेट कर दिया और वो एक मैसेज की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है वो एक दफा चैनल एक्सेस के लिए कंप्लीट कर रहा एक और फायदा ये है कि यू विल बी सेंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट अगर आपका डेटा ज्यादा है तो आप उसको मैक्सिमम साइज पैकेट की फॉर्म में जब डिवाइड करते हैं तो इनफैक्ट यू आर सेंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट होल ऑफ डेस्टिनेशन. कॉन्सिक्वेंटली इट मीन्स दैट यू आर डिक्रीजिंग और मिनिमाइजिंग पर पैकेट प्रोसेसिंग अभी थोड़ी देर पहले कुछ लेक्चर्स पहले जब हमने ये बात की थी इम्प्लीमेंटेशन की और परफॉर्मेंस की स्विचेस के ऊपर तो हमने कहा था कि एक फिक्स ओवर है स्विचेज के ऊपर दैट इज पर पैकेट प्रोसेसिंग पैकेट स्मॉल हो या पैकेट लार्ज हो एक इंडिविजुअल पैकेट का हेडर पढ़कर उसको प्रोसेस करना और ये डिटरमिन करना कि अब एक इनकमिंग लिंक पर आने वाले पैकेट ने किस आउट लिंक के ऊपर जाना है ये एक फिक्स्ड प्रोसेसिंग ओवरहेड है जो कि स्विचेस ने परफॉर्म करना है तो आपने अगर पैकेट का साइज बड़ा कर दिया बिकॉज यू हैव लार्जर डेटा तो आपने कॉन्सिक्वेंटली ये किया कि आपने इस पर पैकेट प्रोसेसिंग के ओवरहेड को मिनिमाइज कर ये तो फायदे थे वेरिएबल लेंथ के पैकेट के इसके बावजूद इन एडवांटेज के बावजूद फिर हम ए के अंदर क्यों फिक्स के सेल्स यूज करते हैं इस चीज को समझने के लिए यह देखिए कि अगर हमारे पास फिक्स लेंथ के सेल्स हों तो सबसे पहले हमें यह चीज भी देखनी पड़ेगी कि वो लेंथ कौन सी हो किस लेंथ के ऊपर फिक्स किया जाए फिक्स लेंथ स्मॉल भी हो सकती है और वही फिक्स लेंथ लार्ज भी हो सकती है अगर हम लेंथ को स्मॉल कर दें तो इसका नुकसान हमें यह होगा कि अगर डेटा हमारे पास ज़्यादा आ गया तो हमें उसको बहुत सारे फ्रेम्स की फॉर्म में अलहदा अलहदा सेपरेटली भेजना पड़ेगा इसका मतलब है कि एक बड़ा डेटा हमने स्मॉलर सेल्स की फॉर्म में फ्रेगमेंट करके भेजा और ये उसका ओवरहेड है क्योंकि हर फ्रेगमेंट या हर सेल के साथ आपने एक्स्ट्रा हेडर ऐड किया तो टोटल डेटा के लिए जो हेडर टू रेशियो थी वो इंक्रीज हो गई तो आपने असल में परफॉर्मेंस में लूज किया अगर हम वो फिक्स लेंथ जो है वो बहुत बड़ी रख दें उसका नुकसान ये होगा कि अगर आपके पास डेटा स्मॉल आता तो आपको उस बड़ी लेंथ तक अपने फ्रेम को कंप्लीट करने के लिए रिमेनिंग सारी बाइट्स में पैडिंग करनी पड़ेगी तो कॉन्सिक्वेंटली इट विल आल्सो एंड अप हैविंग लेस यूटिलाइजेशन और लो यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ फॉर स्मॉल फ्रेम्स जो कि आपको अपर लेयर की तरफ से रिसीव हूं तो अब ये देखिए कि लेंथ स्मॉल हो या लार्ज हो अगर आप उसको फिक्स करते हैं तो इसके दोनों साइड्स पर डिसएडवांटेजेस पॉसिबल हैं। इसके बावजूद जिस तरह मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हमने ए के अंदर फिक्स्ड लेंथ के सेल्स ही एक्सेप्ट किए एज अ स्टैंडर्ड इसकी क्या रीजन है आप ये देखिए कि ये जो स्टैंडर्ड है ये इवॉल्व हुआ है टेलीकॉम इंडस्ट्री या टेलीफोन इंडस्ट्री के आ, के पुश की वजह से नॉट फ्रॉम दी डेटा नेटवर्किंग कम्युनिटी वहां पर बड़े बड़े स्विचेस के लिए ये चीज ज्यादा आसान थी या हार्डवेयर ज्यादा सिंपलर हो सकता था अगर आपके फ्रेम्स जो हैं वो फिक्स के आपके हार्डवेयर स्विच जो हैं दे इंप्लीमेंटेशन अगर आपका फ्रेम साइज फिक्स्ड है इंप्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर स्विचेस क्योंकि आपने एक का डेटा रिसीव करना है उसकी प्रोसेसिंग करनी है और आउटपुट पे भेज देना प्रोसेस करनी है रिसीव करनी है वो इसलिए प्रबल है, है और वो फिक्स है उतना ही डेटा आपको रिसीव होगा consequently it means that if you want to have a parallelism in the processing stages that you can have this parallelism aap switch ko zyada complicate karke multiple processes ikatthe run kar sakte hain and you have lots of switches doing the same thing in parallel multiple or so many frames are received because they are of equal length तो पॉसिबली सब के सब इकट्ठे प्रोसेस हो जाएंगे और आप एक गो के अंदर इस पैरेलिज्म के थ्रू बहुत सारे फ्रेम्स को प्रोसेस कर सकते हैं जिससे मैंने बात की कि ये पुश जो थी ना सिर्फ इसने हार्डवेयर को सिंप्लीफाई किया इट इज ऑल्सो यूटिलाईजिंग दैरलिज्म और दूसरी ये बात भी देखिए कि ओरिजिनली जो आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री थी वो वॉइस ट्रैफिक के लिए अपने नेटवर्क को यूज करती थी और वॉइस के जो सैंपल्स हैं दीज आर फिक्स सैंपल्स ये डेटा नेटवर्क कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम है

फिक्स लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर हैविंग एफिशिएंट हार्डवेयर पैर इन्वॉल्व हाईली स्केलेबल स्विचेस ओके अगर फिक्स लेंथ रिक्वायर्ड है तो फिर वो लेंथ कौन सी होनी चाहिए ये आखिर 53 थ्री बाइट का स्मॉल स्मॉलेस्ट पॉसिबल आप देखिए जो अभी आपने स्टैंडर्ड में देखा होगा वाई दिस स्मॉल फिफ्टी बाइट सेल वाई नॉट अ लार्जर फ्रेम साइज इसकी वजह यह देखिए कि जो आपके स्मॉलर फ्रेम्स होते हैं उनकी वजह से जो आपकी क्यू का नॉन प्रियमटिव बिहेवियर होता है वो बहुत बेहतर होता है ना वट इज दिस नॉन प्रियमटिव बिहेवियर नॉन प्रियमटिव बिहेवियर इज दैट इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग अ फ्रेम एंड अ हाई प्रायोरिटी फ्रेम जस्ट कम्स इन यू विल नॉट स्टॉप द ट्रांसमिशन दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इट इज़ नॉन प्रियम यूट फ्रेम इज कंप्लीटेड उसकी ट्रांसमिशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप अगले आने वाले फ्रेम को ट्रांसमिट करेंगे इसका मतलब यह है, कि के अंदर, एक जो है वो उसको कितना वेट करना पड़ सकता है आपके फ्रेम का मैक्सिमम साइज होगा दैट विल बी वर्स के आपने जैसे ही वो मैक्सिमम साइज फ्रेम ट्रांसमिट करना शुरू किया एक हाई प्रायोरिटी फ्रेम आपके पास पहुंच गया अगर तो ये हाई, ये जो मैक्सिमम साइज फ्रेम है ये बहुत बड़ा होगा तो वेट भी बड़ा होगा और अगर ये मैक्सिमम साइज फ्रेम उस स्टैंडर्ड के अंदर उस प्रोटोकॉल के अंदर स्मॉल होगा तो उस हाई प्रायोरिटी फ्रेम को वेट uh, भी कम करना पड़ेगा और यही रीज़न थी कि क्योंकि स्मॉलर साइज के जो फ्रेम्स हैं दे हेल्प हैविंग बेटर बिहेवियर ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव क्यूज और वॉइस के अंदर इसका बहुत फ़ायदा है यूज़ है तो इसलिए ये स्मॉलर साइज की तरफ ही ए टी एम का स्टैंडर्ड standard, स्टैंडर्डाइज किया गया शॉर्ट फ्रेम्स का एक फ़ायदा ये भी है दैट इट दे हेल्प टू कंट्रोल दू एंड टू एंड जिटर नाउ व्हाट इज़ द दिटर इट इज़ द वेरिएंस इन लेटेंसी जब आपके पैकेट्स या फ्रेम्स स्मॉलर हों तो एंड टू एंड जिटर को भी ये कंट्रोल करते हैं और हेल्प करते हैं तो कि वो बहुत ज़्यादा वेरी ना करें तो ये एन टूट जीटर का एक एडिशनल फ़ायदा हमको शॉर्ट फ्रेम्स केस में होता है अच्छा अभी हम इसी चीज़ की बात करें दैट वी वुड लाइक टू हैव शॉर्ट फ्रेम्स फॉर द एटीएम इसका एक जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है दैट इज ऑफ शॉर्टर क्यूज क्यों इसलिए कि जितने भी हमारे स्विचेस यूज़ होते हैं दीज आर यूजुअली स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेज़ इसका मतलब है कि एक रिसीव होना रिसीव होने वाले फ्रेम को वो कम्प्लीटली पहले स्टोर करते हैं

और उसके बाद फिर वो पैकेट ट्रांसमिट होना शुरू होगा लेकिन अगर हम उसी पैकेट को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर दें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना दें टोटल डेटा उतना ही है तो जब वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट रिसीव हो जाएगा तो अभी इनपुट साइट से बहुत सारे और चंक्स आ रहे होंगे कि हम आउटपुट साइड के ऊपर एक एक जो कंप्लीटली रिसीव होता जाएगा उसको भेजना शुरू कर देंगे सो यू कैन इमेजिन कि इस तरह से जो बफर होगा डेटा एक स्विच के ऊपर वो शॉर्ट होगा कम होगा उसकी वजह से आपके पास बफर के ऊपर स्लाइटली शॉर्टर क्यूज़ बनेंगी अगर इसकी बजाय आपके पास बड़े फ्रेम्स होते तो शॉर्टर फ्रेम्स क्यूज़ को भी शॉर्ट रखने में हेल्प करते हैं इसकी आप एक एग्जांपल इस तरह से देखिए कि हम हम दो सिनेरियोस को कंसिडर करते हैं एक तो सिनेरियो हम एटीएम का कर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फिफ्टी थ्री बाइट के फ्रेम से और सेकेंड सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग long, लेंथ के फॉर एग्जाम्पल फोर किलो बाइट का फ्रेम और आप लिंक को कंसिडर कर लें फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड मेगाबेट पर सेकेंड का लिंक इज यानी हाई प्रायोरिटी फ्रेम जैसे ही रिसीव होगा वो उसी वक्त नहीं भेज दिया जाएगा बल्कि दैट हाई प्रायोरिटी फ्रेम हैज़ टू वेट फॉर दी ऑलरेडी गोइंग ऑन ट्रांसमिशन हम ये देखते हैं कि इन दोनों सिनेरियोस के अंदर एक हाई प्रायोरिटी फ्रेम को कितना वेट करना पड़ेगा अगर तो आपके पास फोर किलोबाइट का मैक्सिमम फ्रेम साइज है या अगर हम कहें कि ये एक साइज फ्रेम्स हैं और आपने उसको फोर किलोबाइट पे रखा है तो टोटल टाइम कितना होगा हंड्रेड मेगाबिट पर सेकेंड के ऊपर फोर किलो बाइटेंट थ्री फोर किलो प्रायोरिटी फ्रेम को वेट करना पड़े। के अगर 53 का फ्रेम होगा सिर्फ तो टोटल तो टाइम तो उसी 100 मेगाबिट पर सेकेंड के लिंक के ऊपर कितना होगा इट इज जस्ट 4.24 पॉइंट टू फोर माइक्रोसे मतलब ये है कि इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट फिफ्टी थ्री बाइट फ्रेम एज कम्पेयर टू फोर किलो बाइट लॉन्गर फ्रेम अच्छा ना सिर्फ ये कि प्रीएम्पन में हमें फायदा है बल्कि जो मैंने आपको पहले एक रीजनिंग दी कि हमारे पास शॉर्टर क्यूज होंगी उसमें भी फायदा है अगेन यही देखिए कि आपके पास दो फ्रेम्स रिसीव होने टोटल डेटा एट किलो बाइट का है ठीक है अगर फोर किलो बाइट के ही फ्रेम्स हों तो दो फ्रेम्स रिसीव होंगे दो फ्रेम्स में से जो पहला फ्रेम रिसीव होगा वो टोटल कितने टाइम के बाद रिसीव होगा 327.68 माइक्रोसेकंड्स अभी हमने ये कैलकुलेट किया 100 मेगाबिट पर सेकंड के ऊपर 327.68 माइक्रोसेकंड के बाद पहला फ्रेम अभी कंप्लीटली रिसीव होगा इस टाइम के बाद अगर आप ये देखें कि दो फ्रेम्स एक टाइम के ऊपर आपको रिसीव होते हैं हम ऐसा स्नैरियो लेते हैं कि दो फ्रेम्स एक ही टाइम पे रिसीव होते हैं तो 327.68 माइक्रोसेकंड के बाद आपके पास बफर में टोटल एट किलोबाइट का डेटा है दो फ्रेम्स मौजूद हैं अभी आपने उनमें से एक भी सेंड करना शुरू नहीं किया अब आप उसमें से एक एक फ्रेम को लेकर सेंड करना शुरू करेंगे सो द बफर डेटा इज नाउ एट किलोबाइट्स। इसी को आप स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर दें फॉर एग्जाम्पल इसी एट किलो के डेटा को या फोर फोर किलो बाइट के जो दो फ्रेम्स हमने लिए हैं इसको आप फिफ्टी थ्री बाइट्स के सेल में डिवाइड करते जाए टोटल डेटा डेटा उतना ही होगा तो जैसे ही ये फिफ्टी थ्री के सेल्स छोटे छोटे डेटा के पीसीज़ रिसीव होना शुरू होंगे जैसे ही पहला पीस रिसीव होगा आउट लिंक के ऊपर वो ट्रांसमिट हो जाएगा एग्जैक्टली थ्री ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स एट के बाद कितना डेटा आपके पास बचा होगा Assuming के दोनों पैकेट्स ने एक ही आउट गोइंग लिंक के ऊपर जाना है तो आपके पास इस सिनेरियो में इसलो बाइट का डेटा नहीं बचा होगा बल्कि वो हाफ ऑफ द जो है वो तो ऑलरेडी हम ट्रांसमिट कर चुके होंगे क्योंकि ये जो स्मॉलर ट्रेन ऑफ डेटा हमें रिसीव हुआ है वो जैसे जैसे एक एक पीस रिसीव होता गया हम उसको सेंड सो एट द एंड ऑफ करतेवन पॉइंट अबाउट ओनली

आप अगर दोबारा से टेलीकॉम कम्युनिटी की तरफ देखिए या टेलीफोन कम्युनिटी जो कि असल में वॉइस को कैरी करने में इंटरेस्टेड थी उस टाइम पर जब एटीएम स्टैंडर्डाइज हो रहा था सो इट डिमांड्स एटीएम टी कि वो इम्प्रूव करे लेटेंसी फॉर ऑडियो डेटा अब आप ऑडियो को सैम्पल करते हैं असल में वॉइस इज इनकोडेड एट सिक्सटी किलोबिट पर सेकेंड और हम उसमें एट बिट के सैंपल्स लेते हैं एट बिट के सैम्पल्स एट एट किलो हर्ड्स तो टोटल असल में आपके पास 64 फोर किलोबिट पर सेकेंड की बैंडविड रिक्वायर्ड होती है यूजली वॉयस को भेजने के लिए अब अगर आपका डेटा साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि आपने उतनी वॉयस पहले सैंपल करके स्टोर करके एक फ्रेम कंप्लीट करना है ओनली देन इट विल बी सेंट दोबारा उसी एग्जाम्पल पे अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वन किलोबाइट का सेल होता हमारी जो फिक्स साइज फिक्स लेंथ है वो वन किलो बाइट होती तो हाउ मच डेटा यू नीड टू स्टोर फर्स्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ वन किलो बाइट मीन्स कि अगर आपने उसी तरह से एट के सैम्पल्स एट किलो हर्ड्स की फ्रीक्वेंसी से ए, पिक करने हैं तो वन ट्वेंटी फाइव मिली सेकेंड का डेटा रिक्वायर्ड था वन किलो बाइट के फ्रेम के लिए और वन ट्वेंटी फाइव मिली सेकेंड इट इज ह्यूमन ऑडिबल अगर इतना डिले वॉइस के अंदर आए तो ये ह्यूमन डिटेक्टेबल है Human ear can detect के 125 का एक ब्रेक आया लेटेंसी है ये बीच में कट हुआ लेकिन अगर ये 53 थ्री बाइट का सेल होगा तो कितना डेटा आपको चाहिए ओनली सिक्स मिली ठीक है सिक्स मिली का डेटा आप सैम्पल करेंगे उसको 53 थ्री बाइट के सेल के अंदर भेजेंगे और उसके बाद आप दोबारा सिक्स मिली का डेटा रिसीव करेंगे सो दसी दैट विल बी एक्सपीरियंस

जब आपको इको कैंसलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए क्योंकि आपने लेटेंसी बहुत स्मॉल कर दी एक और जो फायदा हुआ आपको बहुत स्मॉल साइज का वो ये कि ऑडियो रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो बहुत बेहतर हो गई फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक फ्रेम जो कि बहुत बड़ा था वो मिस हो जाता तो उस कंप्लीट फ्रेम को रिकवर करने के लिए या वॉइस को इंटरपोलेट करने के लिए मच मच मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड और वो कंप्लीटली रिकवर ना हो सकता इसके मुकाबले में आप ये देखिए कि अगर आपके पास फ्रेम साइज जो है वो सिर्फ 53 बाइट का हो तो असल में अगर एक फ्रेम मिस होता है किसी एरर की वजह से तो यू विल ओनली लूज सिक्स मिली सेकेंड ऑफ डेटा अब इस सिक्स मिली सेकेंड की वॉइस को इंटरपोलेट करना और इसमें ऑडियो रिकंस्ट्रक्शन के मैकेनिज्म को यूज़ करना इट इज़ मच मच ईजियर तो इस तरह से हम इस चीज़ की कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि शॉर्टर साइज फिक्स साइज के जो सेल्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड अब हम फिर वापस उस पॉइंट की तरफ आते हैं दैट वाई फिफ्टी थ्री बाइट्स अब जो आपका पे लोड है इट शुड बी आइदर थर्टी टू बाइट्स जो कि यूरोपियन टेलीफोन कंपनीज में वो इसको प्लीट कर रही थी दैट इट शुड बी थर्टी टू बाइट जबकि यूएस कंपनीज हैं देवर से इनके सिक्सटी फोर बाइट का पे लोड होना चाहिए वाई बिकॉज यू नो कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं दीज आर स्मॉलर इन साइज तो उन्होंने कहा कि अगर लेटेंसी कम होने की वजह से हमें एक्यो कैंसलर नहीं यूज़ करने पड़ते दैट्स गुड तो अब हम लेटेंसी को कम करते हैं थर्टी टू बाइट के पैकेट में जबकि यूएस के अंदर दिफोन कंपनीज थाट कि इतने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर एको कैंसलर तो वैसे ही यूज़ करने पड़ेंगे तो वाइन आउट कि हम इसका पे लोड बढ़ा दें फ्रेम का साइज बढ़ा दें ताकि एटलीस्ट हेडर टू पे लोड रेशियो जो है वो ही थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए देन देर वॉज नो कॉम्प्रोमाइज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ इसी तरह से किया गया कि थर्टी टू बिट को एक पार्टी फोर्स कर रही थी और सिक्सटी फोर थर्टी टू बाइट्स को एक पार्टी और सिक्सटी फोर बाइट्स को एक पार्टी दे सेट देट वी जो कैन एवरेज और फोर्टी एट बाइट जो है वो आखिर स्टैंडर्डाइज हुए फॉर दे लोड फाइव बाइट का आप करें तो दिस इज नाउ फिफ्टी थ्री बाइट ऑफ टोटल ए टी एम सेल अनफॉर्चुनेटली इस कॉम्प्रोमाइज की वजह से जो ट्रेजिडी है दैट इज दैट द रिजल्टिंग पे लोड इज़ नॉट अ बाइनरी पावर ऑफ टू देखें थर्टी टू इज़ ऑल्सो अ बाइनरी पावर ऑफ टू और सिक्सटी फोर भी लेकिन इस एवरेज uh, की वजह से ये फोर्टी एट बाइट जो हमने स्टैंडर्डाइज किए इट इज़ नॉट अ बाइनरी पावर ऑफ टू विच इज़ अनफॉर्चुनेट अब हम ए सेल फॉर्मेट की डिटेल में आते हैं ये तो हमने कह दिया कि ए टी एम है उस फॉर्मेट को देखिए आप इस डायग्राम में जहाँ पर दो तरह के इंटरफेसेस शो किए गए फर्स्ट इज यू एन आई यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस एंड द दिन एन आई नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस टोटल सेल साइज फिफ्टी थ्री बाइट ही रहेगा लेकिन यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस में यानी उस वक्त जबकि ये सेल ट्रैवल करेगा फ्रॉम अ यूज़र यानी होस्ट से नेटवर्क के दरमियान तो ये जो अपर मैंने डायग्राम शो किया है ये वाला फॉर्मेट यूज होगा फोर बेट का जी वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर उसके बाद आपने तीन बिट रखी हैं टाइप के लिए फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजमेंट का फ्रेम है ये कंट्रोल का फ्रेम है और इसी की एक बिट जो है बाद में ए एल फाइव यानी जो कन्वर्जेंस सब लेयर है उसने भी यूज़ की उसके पास सी एल पी है फॉर वन बिट इट ओनली मैंशन्स दिस सेल लॉस प्रायोरिटी कि अगर किसी वक़्त आपने पैकेट को ड्रॉप करना है तो जिसकी सी एल पी वन है पॉसिबली आप उसको ड्रॉप कर दें देन यू है सी आर सी एट जो कि इसी हेडर के ऊपर ऑपरेट होता है यानी इसी हेडर के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और इसी हेडर की जो बिट्स हैं उनको एरर के लिए चेक करता है और वन बिट एरर जो है उसको रिकवर भी करता है

जी एफ सी वी पी आई वी सी आई उसके बाद टाइप है वन बिट की सी एल पी है और एरर करेक्शन के लिए जो एरर डिटेक्शन के लिए एक आठ बिट की फील्ड है और उसके बाद बाकी फोर्टी एट बाइट का पे लोड अब ये ए टी एम सेल तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन वी नो दैट फॉर द डेटा कम्युनिटी वी विल बी सेंडिंग मच मच मोर डेटा जो कि इस फिफ्टी थ्री बाइट या फोर्टी एट बाइट के पे लोड के अंदर ऑब्वियसली अकोमोडेट नहीं हो सके उसके लिए हमने कहा कि ए की एक सब लेयर डिफाइन की जाए और फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली के जरिए अपर लेयर का जो बड़ा पैकेट है वो इन छोटे सेल्स के अंदर ट्रांसमिट किया जाए फ्रेगमेंट करके और उसको रीअसेंबली के जरिए रिकवर किया जाए क्योंकि जितने भी पैकेट ए को भेजे जाएंगे अपर लेयर से वो पॉसिबली बड़े होंगे तो इसके लिए हमने फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली जबकि ए की टर्मिनोलॉजी में हम इसको सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली सार के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं नाउ इट इज ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन टू रीअसेंबल द फ्रेग्मेंट्स और सेगमेंट्स तो एटीएम का जो ये सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का प्रोसीजर है वो भी इसी तरह से ऑपरेट करेगा कि हम सोर्स के ऊपर अपर लेयर से आने वाले पैकेट्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि वो ए सेल के पे के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सके इसी तरह डेस्टिनेशन एंड के ऊपर वो ए के सेल्स जब सारे रिसीव होंगे तो उसमें से सारा डेटा रिकवर करके रीअसेंबल किया जाएगा ताकि एक कंप्लीट बड़ा पैकेट बनाया जा सके इस सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली के प्रोसीजर के लिए हम ए की अडेप्टशन लेयर को यूज़ करते हैं यानी ए जो कि वन टू थ्री फोर और फाइव हैं टोटल चार लेयर्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई एल वन और एल टू जो थी वो रियल टाइम ट्रैफिक के लिए थी एल थ्री और एल फोर बाद में बनी और लेकिन इकट्ठी मर्ज करके इसको एल थ्री बाई फोर का नाम हमने दिया जो कि यूजुअली डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हुई उसके बाद एल थ्री फोर की इनएफिशेंसीज़ को दूर करने के लिए एल फाइव इवॉल्व की गई जो कि उससे ज़्यादा बेहतर है एफिशेंट है और उसी तरह की स्ट्रॉन्ग सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आप इस डायग्राम को देखें तो असल में ए एल जो है वो आपके अपर लेयर की जो प्रोटोकॉल है जो कि आपको डेटा हैंड ओवर कर रही है उसके और ए टी एम की लेयर के दरम्यान में अपर लेयर से आपको बड़े साइज का डेटा रिसीव होता है और ये ए टी एम अडेप्टन लेर जो है वो उसको स्मॉलर साइज के चंक्स में डिवाइड करके ए टी एम को पास ऑन करती है और इसी तरह से रिसीविंग एंड के ऊपर ए से जो स्मॉलर सेल्स रिसीव होते हैं जो ए की अडेप्टन लेयर है वो उसको रीअसेंबल करके उसी तरह से बड़े कंप्लीट पैकेट की फॉर्म में अपर लेयर को हैंड ओवर करती है ए की जो लेयर्स हैं उसमें हमने कहा कि आपके पास मल्टीपल सब लेयर्स हैं जो आपकी ए टी लेयर है उसको फिर हमने मल्टीपल सब लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया इस चीज़ को अगर आप डायग्राम में देखें

लेयर के ऊपर जिसके अंदर एक कन्वर्जन सब लेयर है और यानी इस सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली के प्रोसीजर को फोकस करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि हमने दो ही को करना है तो ए एल थ्री फोर को पहले स्टडी सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली फॉर वेरिएबल साइज पैकेट जो कि आपको अपर उसको फिक्स साइज के सेल्स में ए टी एम पास ऑन करना इस सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली के प्रोसीजर में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो सब इस ए एल थ्री बाई फोर ने प्रोवाइड की है इसके पैकेट फॉर्मेट को देखने के लिए अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले एट बिट में सीपीआई है दैट इज कॉमन पार्ट इंडिकेटर उसके बाद एट बिट का बिगनिंग टैग है और उसी तरह से एट बिट का एंडिंग टैग भी आपको एंड पे नजर आ रहा है इसके बाद 16 बिट में बफर एलोकेशन साइज की एक इंडिकेशन है बट इट इज नॉट द रियल साइज ऑफ द बट इट इज जस्ट अ हिंट कि कितना बफर एलोकेट करना चाहिए अगले आने वाले पैकेट के लिए जो एग्जैक्ट लेंथ है वो आप देख रहे हैं कि पैकेट के एंड के ऊपर 16 बिट की वैल्यू के अंदर मौजूद है आपके पास पेलोड है जो कि 64 किलोबाइट तक का हो सकता है और फिर आप पैडिंग करते हैं जीरो से तीन बाइट की यानी जीरो टू ट्वेंटी फोर बेट्स की ताकि आप इस टोटल ए एल की जो पैकेट है उसको 32 बिट की बाउंड्री के ऊपर अलाइन कर सकें ताकि प्रोसेसिंग में हेल्प हो सके ये सारा जो पैकेट है हेडर पेलोड एंड ट्रेलर इन सब को फिर आप एटीएम के सेल्स में डालने के लिए डिवाइड करते हैं उस लेंथ के ऊपर जिसके अंदर ये डाटा उस एटीएम सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है अब वो 48 बाइट नहीं है क्यों इसलिए कि ए एल थ्री फोर ये भी डिफाइन करती है कि ए टी एम के अपने इंडिविजुअल सेल्स के अंदर भी कुछ फोर बाइट का हेडर होगा वो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ए टी एम हेडर जो कि फाइव बाइट का है उसके बाद आपने फोर बाइट्स और कंज्यूम किए हैं एक्स्ट्रा फर्स्ट टू बिट्स आर फॉर द टाइप देन फोर बिट्स आर फॉर द सीक्वेंस देन टेन बिट्स फॉर द मल्टीप्लेक्सिंग आई डी सीक्वेंस चूँकि सिर्फ चार बिट का है तो आप इसको कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा सेल की रीऑर्डिंग ना हो और सेल लॉस ना हो ताकि फिर वो उसके बाद रिकवर नहीं हो सकेगी आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि टाइप इज ऑफ टू बिट्स अगर तो वो जीरो जीरो है इसका मतलब है कि इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ मैसेज लेकिन अगर वो वन जीरो इट जस्ट मीन्स दैट इट इज बिगिनिंग ऑफ अ मैसेज जीरो वन मीन्स एंड ऑफ मैसेज और अगर आपकी ये दोनों बिट्स वन है इसका मतलब है कि इट इज अ सिंगल सेगमेंट मैसेज इट इज एंड एंड स्टार्टिंग इट इज एंडिंग फ्रेम फॉर दिस मैसेज ये देखिए कि अगर जो आपकी बिट्स हैं वो बिगनिंग ऑफ मैसेज हो या कंटिन्यूशन ऑफ मैसेज हो तो आपकी जो लेंथ है इट मस्ट बी 44 बाइट्स क्योंकि लेंथ आइडेंटिफाई कर रही है कि इस सेल के अंदर पे लोड कितना है जो कि बी और सी के लिए 44 बाइट्स होगा जबकि ई ओ और एस के लिए वो उससे कम हो सकता है अब इस सारे पैकेट को इस डायग्राम में देखिए कि हमने इनकॉर्पोरेट करना है ए के सेल के अंदर ऊपर आपके पास सी एस पी डी यू का हेडर है यूजर डेटा है और सी एस पी डी यू का ट्रेलर इन सब को अब आपने 48 नहीं बल्कि 48 बाइट्स के चंक्स में तोड़ना है सबसे पहले ए टी एम का हेडर है जो कि रेड में शो किया गया है फिर ब्लू में ए एल थ्री फोर का अपना एडिशनल हेडर है स्मॉल उसके बाद 44 बाइट्स का डेटा है और फिर ट्रेलर है जो कि फिर ए एल का ट्रेलर है इस तरह से आपने मल्टीपल ए टी एम के सेल्स बनाने हैं ये देखिए कि आपका जो आखिरी ए का सेल है वो हो सकता है कि कंप्लीट ना हो सके तो एंड के ऊपर आपने उसमें पैडिंग करनी है लेकिन ट्रेलर से आपको पता चल जाएगा कि इस आखिरी एटीएम सेल के अंदर टोटल कितने बाइट का डेटा मौजूद है अगर हम ए एल थ्री फोर को समराइज करें तो हम ये देखते हैं कि देर आर मैनी फैक्टर्स टू जस्ट एसेंट प्लस आप इसमें यह देखिए

पार्शल फिलिंग ऑफ दी लास्ट एटीएम सेल उसकी वजह से एफिशियंसी मजीदेश कम हो गई तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ए एल थ्री फोर के अंदर कोई बहुत ज्यादा अच्छी अचीव नहीं कर पाते ओवरहेड बहुत ज्यादा है और डेटा बहुत कम है इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने एक और लेर इवॉल्व की दैट इज एल फाइव अब ए एल फाइव के अंदर कोशिश ये की गई कि कम से कम ओवरहेड होना चाहिए मसलन एटीएम का जो हैडर है उसके अंदर एडिशनल कोई पीडीयू की इंफॉर्मेशन ना हो और सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का काम फिर भी हो सके वो जो टाइप के अंदर एक बिट थी वो यूज की गई ताकि ये बताया जा सके कि दिस इज लास्ट फ्रेम इन सेगमेंट दिस इज लास्ट सेगमेंट इन दी टोटल पैकेट अच्छा फिर सी एस पी डी यू के अंदर भी कोशिश ये की गई कि कम से कम उसकी फील्ड्स आप रखें और डेटा ज्यादा से ज्यादा हो यानी उसमें हेडर तो है ही नहीं सिर्फ और सिर्फ आठ बाइट का ट्रेलर है इस चीज़ को अगर आप इस डायग्राम की फॉर्म में देखिए तो आप ये देखेंगे कि सी एस पी डी यू में पहले सिक्सटी फोर किलो बाइट तक का डेटा है फिर पैडिंग है जीरो टू फोर्टी सेवन बाइट्स की ताकि आपका जो आखिरी ए टी एम सेल है वो टोटली कम्प्लीट हो सके दो बिट्स फिर उसकी रिजर्व हैं फिर दो बाइट्स में आपकी लेंथ है और फिर थर्टी टू बिट के अंदर आपके पास सी आर सी थर्टी टू है तो ये आपका सेल फॉर्मेट हो गया सी एस पी डी यू के लिए अब अगर आप इसकी इनकेशन को देखें तो आपने इसी टोटल सी को यूजर डेटा और पैडिंग और प्लस सी के ट्रेलर के साथ अब 48 एट के चंक में असल में डिवाइड किए है देर इज नो एल हेडर एंड ट्रेलर इन दी ए टी एम सेल इट सेल्फ ओनली दी एस पी डी यू इज कंटेन एट इसकी वजह से आप देखें कि एफिशेंसी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ए के टॉपिक को इनिशियली एक्सप्लोर किया है इसमें हमने ये देखा है कि ए की जो सेल हैं वो उसका फॉर्मेट किस तरह से वाई इट इज़ ए फिफ्टी थ्री बाई सेल इसके अलावा इसके अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट लेयर्स यूज़ हो रही हैं दीज आर दी ए टी एम अडेप्टशन ले उसमें से एल थ्री फोर और ए एल फाइव को आज हमने स्टडी किया है ए टी एम के टॉपिक के अंदर मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम आइंदा अपने अगले लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे जिसमें ए के अंदर वर्चुअल पाथ हम जिस तरह से इस्टेबलिश करते हैं प्लस ये चीज़ के क्या हम ए को एक लैन एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं और अगर कर सकते हैं तो ए उसके लिए हमें क्या फैसिलिटी और मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है दैट इज़ लैन लैन एमोलेशन क्लाइंट और सर्वर जो कि सारी कन्फिज्रेशन में यूज़ होते हैं हम इस टॉपिक को इनशाला अपने अगले लेक्चर के अंदर एक्सप्लोर uh, करेंगे तो यहाँ पर हम अपने आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं आइंदा लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए खुदा